तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपका भी व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो आप उसे कैसे चेक कर सकते हो और आप अपने व्हाट्सएप को हैक होने से कैसे बचा सकते हो। तो व्हाट्सएप में न्यू अपडेट आने के बाद आप एक व्हाट्सएप को 3-4 मोबाइल फ़ोन में यूज कर सकते हो। तो होता यह है कि अगर आपका कोई फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर आपसे 2 मिनट के लिए मोबाइल लेता है और वो आपके व्हाट्सएप को अपने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन कर लेता हो और आपको पता भी नहीं चलता, तो ये सब आपको कैसे चेक करना है वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। और आपको अपने फेक व्हाट्सएप को हैक होने से कैसे बचाना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको कैसे चेक करना है कि आपका व्हाट्सएप की कितने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है, तो उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ से ऊपर में 3 डॉट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपको यहाँ से 3 डॉट के ऊपर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में लिंकेड डिवाइस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको लिंकेड डिवाइस के ऊपर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने जितने भी आपका व्हाट्सएप जितने मोबाइल फ़ोन में या फिर डेस्कटॉप में लॉगिन होगा वो आपको यहाँ से नीचे में शो हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो हमारा जो व्हाट्सएप है वो विंडोज़ में लॉगिन है। आप इसकी लास्ट ऑनलाइन स्टेटस को यहाँ से देख सकते हो, आप इसे यहाँ से लॉन्ग आउट भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने व्हाट्सएप में चेक कर लेना कि आपका व्हाट्सएप कितने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है या फिर कितने डेस्कटॉप में लॉगिन है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो व्हाट्सएप है वह कितने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है और उसे आप यहीं से लॉन्ग आउट भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपको अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचाने के लिए आपको अकाउंट में चले जाना, उसके बाद 2-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर देना। 2-स्टेप वेरिफिकेशन होता है क्या है तो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आप लोग यहाँ से देख सकते हो 2-स्टेप वेरिफिकेशन में होता है कि आप इसे अगर ऑन करते हो तो आपको यहाँ से पिन जनरेट करने को बोला जाएगा। तो आप वो पिन जनरेट कर लेना। जनरेट करने के बाद कोई भी पर्सन आपका व्हाट्सएप को अपने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन भी करना चाहेगा तो भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने जो पिन जनरेट किया था वो पिन उसे इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपके व्हाट्सएप को अपने मोबाइल फ़ोन में लॉगिन कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और अपने व्हाट्सएप को फेक होने से बचा सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।